हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल झारखंड ट्यूब पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड बोर्ड के 12th के रिजल्ट के बारे में, जो कि आज ही आया है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं कि साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट आज आ चुका है, और मैं आपको रिजल्ट को विस्तार में बताऊंगा कि किसमें कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था और कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने स्टूडेंट फेल हुए। तो हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। और आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप एक झारखंडी हैं और झारखंड राज्य में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद से एक घंटी छप जाएगी, उस घंटी को भी ज़रूर दबा लें। देखिए यहाँ पे आपको सब्सक्राइब में क्लिक करना है, इसके बाद देखिए ये घंटी छप जा रही है, इस घंटी में भी आपको दबा लेना है। इससे होगा ये कि आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहेंगे, और जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ कि झारखंड का रिजल्ट जो 12th का था ओनली साइंस और कॉमर्स का आया है, और बाकी के रिजल्ट के लिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देख रहे होंगे यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रिजल्ट ऑफ एनुअल इंटरमीडिएट साइंस एग्जामिनेशन 2019, और यहाँ पर आप रोल कोड और रोल नंबर डाल के देख सकते हैं। और अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं उसका एक शॉर्टकट लिंक भी दे दूंगा, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और तुरंत आप देख पाएंगे। सबसे पहले हम इस रिजल्ट के विस्तार से जानते हैं। तो रिजल्ट अनाउंस हुआ है आज 14 मई 2019 को शाम 5 बजे, और सिर्फ साइंस और कॉमर्स के लिए ही अनाउंस हुआ है। इसमें साइंस में टोटल 94,326 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से पास हुए हैं 53,186। पास का परसेंटेज होता है 57%, जिसमें से फर्स्ट डिवीज़न 20,447, सेकेंड डिवीज़न 30,873 और थर्ड डिवीज़न 1,841। कॉमर्स की बात करें तो टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए थे 35,052, जिसमें से एपियर हुए 33,686, जिसमें से पास हुए हैं 24,436, यानी पास का परसेंटेज बनता है 70.44%, जिसमें से फर्स्ट डिवीज़न 7,115, सेकेंड डिवीज़न 15,428 और थर्ड डिवीज़न 1,886, यानी टोटल इतने स्टूडेंट पास हुए हैं। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं तो साइंस में सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है पलामू का, और सबसे ख़राब रिजल्ट रहा है पाकुड़ का। वहीं कॉमर्स में वो सबसे अच्छा रिजल्ट रहा है सिमडेगा का, और सबसे ख़राब रिजल्ट रहा है साहिबगंज का। वहीं आपको और एक बात बता दें कि अगर आप जो झारखंड के ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाते होंगे तो आपको दिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कि जैसे आप वेबसाइट को खोलते होंगे तो आप उस वेबसाइट को खोल नहीं पाते होंगे दोस्तों। लेकिन चलिए मैं आपको अभी आपको बता देता हूँ कि आप उस रिज़ल्ट को कैसे देख पाएंगे आसानी से। देखिए अभी मैं झारखंड का जो रिज़ल्ट खोलता हूँ तो यहाँ पर देखिए खुल जा रहा है आसानी से, लेकिन आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, बार बार ट्राई करना पड़ेगा। अगर आप ट्राई करना नहीं चाहते हैं तो मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना, वहाँ पे दो लिंक दे दूंगा कॉमर्स के लिए अलग, उस लिंक पे क्लिक करके आप जाने के बाद